दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। अपडेट ये दिया है जैसे कि आपका इंटरनेट बैंकिंग है तो आप किसी वेबसाइट के थ्रू अपना इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट अकाउंट आपका खुल जाता है आईडी पासवर्ड डालने के बाद, लेकिन अब यहाँ पर जो है ओटीपी बेस्ड लॉगिन होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक डेमो के तौर पर। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे www.onlinesbi.com पे, उसके बाद लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पे आपको इंटर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पे दे चुके हैं तो यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ओटीपी मांगा जाएगा, जो कि एक सिक्योरिटी तौर पे बहुत ही अच्छा ये फीचर निकाला गया, नहीं तो ऐसे बहुत फ्रॉड होते थे। तो यहाँ पे देखिए वन टाइम पासवर्ड, पहले ऐसा नहीं था, पहले आप आईडी पासवर्ड डालते थे डायरेक्ट आप अपने अकाउंट पे पहुँच जाते थे, लेकिन अब जो है चेंज कर दिया है इंटर द वन टाइम पासवर्ड सेंट योर मोबाइल फ़ोन, यानी कि आपको वन टाइम पासवर्ड देना पड़ेगा, यानी कि इसका शॉर्ट नाम हुआ ओटीपी। तो चलिए मेरे फ़ोन में आ चुका है ओटीपी, तो चलिए यहाँ पे देखिए आ चुका है, मैं आपको इंटर करके दिखाता हूँ। तो ओटीपी देने के बाद चलिए हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है दोबारा से आप करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा आ चुका है, तो चलिए सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहां पे ओपन हो चुका है, जो कि एसबीआई ने जो है एक अच्छा फीचर लाया है, जो कि आपका इसे फ्रॉड नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का जो है आईडी पासवर्ड जान जाने के बाद आपका अकाउंट खोल सकता था पहले, लेकिन अब नहीं खोलेगा क्योंकि अब ओटीपी बेस्ड हो गया। तो इसके लिए मैं एसबीआई के जितने भी कर्मचारी हैं उसको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ पर देखिए अगर मैं बैलेंस चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर बैलेंस फॉर चेक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 15,190 रुपया मेरे खाते में भी बैलेंस है। तो दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ ऐसी स्थिति मेरे साथ हो गई, कुछ परिस्थिति जो कि उसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब जो है दो दिन पे मैं वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। तो और भी बहुत सारे काम है, कॉलेज में भी मैं पढ़ना जाना पड़ता है और भी बहुत सारे घर का काम होता है तो वो सब भी देखना पड़ता है। तो अब जो है रेगुलर कह सकते हैं आप दो दिन में चाहे एक दिन में जो जितना भी हमसे बन सकता है आपको अपडेट मैं देता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।